नमस्कार, वीएमआर भारत टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। आप लोग राजस्थान की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जयपुर में लग सकती है धारा 144, पुलिस कर्मियों की छुट्टियां हुई रद्द। बहरोड में 40 साल से गाड़िया लुहार, सुविधाओं से वंचित, एकता का परिचय देकर विरोध प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। टोडा भीम में छात्र संघ चुनाव ही देश की राजनीति की धुरी, देश का भविष्य कॉलेज में होता है तैयार। और अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर में पांचवे आईकॉन बीएपी 2019 का आयोजन 14 और 15 दिसंबर को राजमाता विजयराजे सिंधिया ऑडिटोरियम हॉल में किया जाएगा, जिसको स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी इन डिफरेंट एडवांस फील्ड मुख्य विषय है। आपको बता दें कि स्पेस फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, मरीन फिजियोलॉजी और हाई एटीट्यूड फिजियोलॉजी आदि क्षेत्रों में फिजियोलॉजी यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान में चिकित्सकों को जागरूक और प्रशिक्षित करना आवश्यक है। शरीर क्रिया विज्ञान विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर जे एम जडेजा ने बताया के सम्मेलन में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग सचिव डॉक्टर बलराम भार्गव, DIPAS डायरेक्टर डॉक्टर भुवनेश कुमार, एरिजोना विश्वविद्यालय अमेरिका से डॉक्टर अमृत लाल मंडल, ACMS दिल्ली से कर्नल डॉक्टर अनुज चावला और एम्स रायपुर से डॉक्टर अविनाश एस इंगाले के व्याख्यान होंगे। डूंगरपुर में जश्न ईद मिलादुबनी सल्लाहो अहले वसलम की आमद की खुशी में MMB ग्रुप डूंगरपुर की ओर से सभी समुदाय के 30 जरूरतमंद परिवारों को एक माह का राशन वितरण कार्यक्रम जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक रामजीलाल चंदेल, असरार अहमद, सोमेश्वर अतुल के आतिथ्य में वितरित किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में MMB ग्रुप डूंगरपुर के सदर नूर मोहम्मद मकरानी ने सभी अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। सभी को जश्न ईद मिलादुबनी सल्लाहो अहले वसलम की मुबारकबाद की ओर ग्रुप के द्वारा कराए जा रहे समाज सेवा के कार्यों के बारे में बताया। मकरानी ने बताया कि ग्रुप के द्वारा अब तक समाज सेवियों और भामाशाहों का सहयोग लेकर 10,325 जरूरतमंद परिवारों को निशुल्क राशन वितरण, रक्तदान शिविर, विद्यालय के लगभग 3,000 बच्चों को पाठ्य सामग्री, स्कूल ड्रेस, स्कूल फीस और पानी की प्याऊ, सड़क सुरक्षा के विशेष कार्यक्रम, पक्षियों के लिए परिंडे आदि कई कार्यक्रम किए थे। बहरोड में UIT भवन के पास पिछले कई सालों से नगरपालिका की जगह रह रहे गाड़िया लुहारों के दर्जन परिवार सरकारी सुविधाओं से वंचित है, जिनमें घुमंतू समाज के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह बड़गुजर मिलने पहुंचे और गाड़िया लुहार परिवारों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं के बारे में उनकी जानकारी ली। लुहारों के लिए पानी, बिजली के अलावा मकान के स्थायी पट्टे बनवाने की मांग उठाई है। अगर सरकार ने जल्द से जल्द घुमंतू समाज की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो एकता का परिचय देकर विरोध की भावना जताएंगे। आपको बता दें कि गाड़िया लोहार समुदाय हमेशा से किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं होने वाला समुदाय है, जिस कारण इस समुदाय और उनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ जाता है। गाड़िया लोहारों के बीच में आया हूँ तो इनकी समस्या सुनी है। कुछ इनके आधार कार्ड वगैरह है और राशन कार्ड है, सारे कागज इनके पास हैं। कुछ इनको राशन मिलता नहीं है, ये बता रहे हैं। यहाँ आधे लोगों को राशन मिलता है, आधे लोगों को राशन नहीं मिलता है। और इनको झुग्गी झोपड़ी है आवासीय, कोई भी भूखंड आवासीय पट्टे इनको नहीं काटे जाता। इनके लिए कोई भी स्थायी जगह नहीं है। इनके बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है स्कूल हो इनके लिए। और आज इस समाज में आके मैंने पूछताछ करी है इनसे, मैंने तो सरकार इन पर ध्यान नहीं देती है। वोट की टाइम पे आती है, बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े झूठे आश्वासन देके इनको चले जाते हैं। इलेक्शन की टाइम पे आके वोट ले लेते हैं इनसे। और गहलोत जी हैं मुख्यमंत्री, मैंने वहाँ तक भी आवाज़ उठा रखी है कि इनको
नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये समाज इस देश के नागरिक है, आज भी ये बिछड़ा हुआ समाज है, सरकार इन पर ध्यान नहीं देती। वोट दिए जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं, और नहीं हमारा कोई स्थायी जगह पे देते हैं ना, और नहीं हमारा पानी की भी समस्या है, और अपनी होगी 40-50 साल गरीब आदमी और बच्चा है, सांप घेर रखा, बंधन में घेर रखे, हमारी तो कोई सुनवाई। भीलवाड़ा की ग्राम पंचायत पांसल में सेवा भारती की तरफ से काढ़ा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 300 लोगों ने काढ़ा का लाभ लिया। इस काढ़े से मौसमी बीमारियों से बचाया जा सकता है और खांसी, जुकाम और गले संबंधी बीमारियों का भी उपचार होता है। ये आयुर्वेदिक काढ़ा है जो विभिन्न तरह के लोगों को बीमारियों से बाहर निकालता है और लोगों को लाभ पहुँचाता है। इस तरह के आयोजन सेवा भारती द्वारा समय समय पर किए जाते हैं और लोग लाभान्वित होते रहते हैं। इस कार्यक्रम में विनोद मेलाना, नानूराम माली, किशन जाट, बबलू जाट, भैरूलाल पूर्विया, जीतू सैन आदि कई सदस्यों ने अपना अपना योगदान दिया। और अब बात करते हैं अयोध्या मामले की। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की घड़ी नजदीक आने के मद्देनजर सतर्कता बढ़ा दी गई है। जानकारी के अनुसार भोपाल की तर्ज पर जयपुर में भी धारा 144 लगा दी है। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस अलर्ट है। डीजी कानून व्यवस्था ML लाठर के अनुसार जरूरी अवकाश को छोड़ पुलिस और RSC में छुट्टियां रद्द कर दी गई है। जयपुर के चांदपोल स्थित PCC कार्यालय में AICC के आह्वान पर देश में आर्थिक मंदी और बेरोजगारी के विरोध में होने वाले विशाल प्रदर्शन की तैयारी के संबंध में मीटिंग का आयोजन हुआ। तो वहीं मीटिंग में जयपुर शहर के समस्त विधायक, विधायक प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी, जयपुर मेयर, पार्षदगण, PCC सदस्य, जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष कार्यकारिणी सहित कांग्रेस के समस्त अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य और जयपुर शहर के समस्त सम्मानित कांग्रेस जन मीटिंग में आमंत्रित रहे। तो वहीं PCC की होने वाली मीटिंग में उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, प्रदेश सह प्रभारी विवेक बंसल के साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद रहे। गांधी जी ने अपनी भारतीय कांग्रेस कमेटी में राजस्थान प्रदेश के लिए जो प्रवेशक नियुक्त किए हैं, हमारे माननीय मंत्री और प्रदेश सरकार चंदन वर्मा जी आज हरियाणा में आए हैं और एक मीटिंग हम लोग आज कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर। आज से लेकर 15 तक लगातार हम लोग सड़कों पर आकर इन नीतियों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। आर्थिक मंदी के कारण जो कैमरे पर केंद्र की सरकार जिम्मेदार है, जनता तक पहुंचाना हम चाहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि 8 से 10 के बीच में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया है, धरने का, पदयात्रा का और ज्ञापन सौंपने का प्रधानमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से, उसी पर चर्चा करने के लिए सचिन वर्मा जी यहाँ आए हुए हैं। नागौर जिले के डीडवाना कस्बे में एक महिला पुलिस कांस्टेबल ने जब बाइक पर जा रहे 3 युवकों को रोकने की कोशिश की तो वे बाइक को भगा ले गए, लेकिन इस दौरान महिला पुलिस कांस्टेबल ने बाइक चालक को पकड़ ही लिया। इस पर बाइकर्स उसे काफी दूर तक घसीटते हुए ले गए, लेकिन बाद में बाइक अनियंत्रित होकर स्लिप हो गई, जिसे युवक गिर पड़े और कांस्टेबल की जान बच गई। बाद में महिला पुलिस कांस्टेबल ने युवक को पकड़कर उसको थप्पड़ जड़ दिया और जिससे वहां हंगामा खड़ा हो गया। टोडाभीम उपखंड मुख्यालय पाडला रोड स्थित राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक PR मीणा उपस्थित रहे। तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री रामस्वरूप मीणा के द्वारा की गई। समारोह संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक मीणा ने कहा कि राजनीति का पहला पायदान छात्र संघ चुनाव है। कॉलेज में होने वाले छात्र संघ चुनाव ही देश की राजनीति की धुरी है, तो वहीं भारत का भविष्य भी महाविद्यालय से ही पनपता है। उन्होंने बताया कि युवाओं के जोश और सोच से ही हमारा देश विश्व में उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है।
इसी के चलते युवाओं को भविष्य कहा जाता है। डूंगरपुर में आगामी नगर निगम चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने अपने जनसंपर्क अभियान का आगाज किया है। इस मौके पर बीजेपी के सभी वार्डों के उम्मीदवार और अन्य कार्यकर्ता जगदीश चौक पहुंचे, जहां जनसंपर्क अभियान का आगाज राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हाथों में बीजेपी की झंडिया लिए जगदीश चौक से रवाना हुए। बीजेपी के पुरुष कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी तादाद में महिला कार्यकर्ता भी इस जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान मौजूद रही और नारे लगाते हुए जगह जगह जनसंपर्क किया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बताया कि आगामी निगम चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखो, जनता का माहौल अच्छा है और जनता से हम तो निवेदन ही करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जनता हमने सहयोग करे, छठा बोर्ड बनाए, विकास की जो हमने पगडंडी पकड़ी है उससे उदयपुर नंबर दुनिया का एक शहर बने, ये जो तमन्ना है उस तमन्ना को हम छठा बोर्ड में पूरा करें। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर क्या लगा? निश्चित रूप से 60 सीटें जीतेंगे, 60 के अनकरी पहुंचेंगे। और फिलहाल इस आप लोग में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी, और मुझे यानी कि अंकित माथुर को दीजिए जाने, तब तक के लिए नमस्कार।